हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बैश के फोर्थ मुकाबले के बारे में जो मेलबोर्न स्टार वर्सेस ओबाट एरिकेंस के बीच में खेला जाएगा। यह मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला होगा। इस मैच की हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम बताएंगे कि मेलबोर्न स्टार की तरफ से इस मैच में कौन खिलाड़ी खेलने वाला है, ओबाट एरिकेंस की टीम में इस मैच में कौन खिलाड़ी खेलने वाला है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिए। तो अब बात करते हैं हम मेलबोर्न स्टार्स की टीम के बारे में जो इस मैच में खेल सकती है। टीम मेलबोर्न स्टार टीम थी मेलबोर्न स्टार्स की जो इस मैच में खेल सकती है। अब बात करेंगे हम टीम ओबाट एरिकेंस की जो इस मैच में खेल सकती है। टीम ओबाट एरिकेंस की तो ये सिर्फ संभावित खिलाड़ी होंगे। तो देखिए टीम ओबाट एरिकेंस की आपको पता चल गया होगा कि ओबाट एरिकेंस की टीम में कौन खिलाड़ी खेलने वाला है और मेलबोर्न स्टार्स की तरफ से इस मैच में कौन खिलाड़ी खेलने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं कि मेलबोर्न स्टार्स इस लीग में अपना एक मैच खेल चुकी है और वह मैच हार गई थी। तो मेलबोर्न स्टार्स का मैच था सिडनी थंडर के साथ। इस मैच में मेलबोर्न स्टार्स ने फास्ट बैटिंग करते हुए 122 रन बनाए थे और सिडनी थंडर ने यह मैच 9-1 विकेट से जीत लिया था। और ओबाट एरिकेंस इस लीग में अपना फास्ट मैच खेलेगी मेलबोर्न स्टार के साथ। तो हम जो भी टीम विन देते हैं वह 80 या 90% विनिंग होने के बाद हार जाती है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम बिग बैश के फोर्थ मुकाबले के बारे में जो मेलबोर्न स्टार्स वर्सेस ओबाट एरिकेंस के बीच में 16 दिसंबर को सुबह 11:35 पर खेला जाएगा। यह मेलबोर्न के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा, यानी यह स्टेडियम होगा मेलबोर्न का। यह ग्राउंड बड़ा ही लंबा है और इसमें लगभग स्कोर 160 का बन सकता है। और इस मैच में विनर टीम रहने वाली है ओबाट एरिकेंस। तो अब बता रहे हैं अगर ओबाट एरिकेंस इस मैच में 80% या 90% जीत की कगार पर आ जाती है और वहां से हार जाती है तो इस में हमारी कोई गलती नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक हम आपसे करते हैं अलविदा। बाय बाय।